salt. Today your topic is salt. So salt is nothing after now. Acid compound, the compounds after now form by acid base reactions. Acid base reactions say the compounds after bunting. ये रिएक्शन सब का नाम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपन आप देखो तो सीधा एन एन ऑफ द एसिड एन कैटायन ऑफ द बेस. एसिड का एनायन और कैटायन बेस का कैटायन आपका नाम जब दोनों आपका कॉम्बाइन होंगे कॉम्बिनेशन में आएंगे तो आपका नाम लिखो आर्कोल सॉल्ट. उनको आप क्या कहते हैं सॉल्ट्स. इसका फॉर्मूला जो आप बनाएंगे देखिए ना आपका नाम इस फॉर्मूला आपका नाम एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू आपका नाम इट इज योर सॉल्ट. लेकिन यहीं तक नहीं होगा सॉल्ट के साथ साथ आपका नाम देखा भाई सर ये वाटर भी आपका बनाएगा. इसीलिए जब भी आपका नाम एसिड एंड बेस दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर एंड जस्ट फॉर्म या प्रोड्यूस द सॉल्ट विद वाटर दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज आपका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपका इसको कहते हैं. जेड भी लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर. तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा यू कीपिंग योर माइंड आपका नाम क्लियर हो गया. बस अब आप इसका एसिड के जगह देखो आपका नाम अपने एस सी एल लिख दिया इसका आपका क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा दिस इज द एसिड. और नाउ प्लस बेस की जगह मैं अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोडियम इज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप याद रखिएगा जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आपका नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बना देगा. And now this is the base. अब यहाँ पे बहुत क्लियर लिखिए एनायन ऑफ द एसिड एसिड का एनायन और इसका देखो आप कैटायन ऑफ द बेस आपका नाम ये बना देगा आपका एन ए सी. ठीक है सर ये आपका शॉर्ट हो गया आपका नाम देखा शॉर्ट ये आपका एक्वस सॉल्यूशन और वन हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन तो एच टू वाटर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब आपका सिंपल सी बात होगी अगर वो बोलता आपको प्लीज डिफाइन द शॉर्ट तो शॉर्ट की डेफिनेशन भी आपकी बन गई द कंपाउंड्स फॉर्म इन एसिड बेसिक रिएक्शंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनायन ऑफ द एसिड एंड द कैटायन ऑफ द बेस इज कॉल्ड शॉर्ट. वो कहता प्लीज गिव एन एग्जाम्पल या प्लीज गिव अ फॉर्मूला तो फॉर्मूला आप लिख दीजिए एग्जाम्पल बोलता है तो ये इसमें एक चीज और पूछ सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है या इसमें एक चीज प्लीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट मैथड. एक रिएक्शन में आपके फोर या फाइव क्वेश्चन यू कैन मेक आप बना सकते हैं. ठीक हो गया सर. अब बात आती है सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स. शॉर्ट आपके क्या होते आयनिक कंपाउंड्स होते याद रखिएगा. इसीलिए नाइन्थ की केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी चाहिए. कंटेनिंग टू पार्ट्स इसमें दो पार्ट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में आपके दो पार्ट्स होते हैं. वन पार्ट जो एक पार्ट है पहला पार्ट है आपका ना देखो कैन आ पॉजिटिव चार्ज पहले वाले का क्या पॉजिटिव या पहले पार्ट में आपका पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आप इसमें पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं. आयन लिखो ज्यादा बेहतर है अपन एंड द अनदर पार्ट
क्या है, निगेटिव आयन, और दूसरे में आपका पार्ट में आपका क्या होता है, निगेटिव आयन होता है या निगेटिव चार्ज। अगर आप निगेटिव चार्ज लिखोगे यहां पे, अगर निगेटिव चार्ज लिखते हो इस कॉल्ड निगेटिव आयन कर सकते हैं आप। यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज लिखा तो पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन, आप बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक हो गया सर, क्लियर। अब आपको कहेगा कि आपने ये तो कह दिया पॉजिटिव आयन, या यहां पे देखो आपका पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन भी आप लिख सकते हैं, निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड निगेटिव आयन। अब किसी ने कहा आपको प्लीज गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल आपने आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज शॉर्ट, शॉर्ट का कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, Na2SO4, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो नाउ अगर आप इसको कहेंगे तो सोडियम सल्फेट हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स, एक तो आप कह रहे हो ट्वाइस Na, अभी इधर चला जाएगा तो ट्वाइस Na का मतलब दिस इज द पॉजिटिव आयन, क्लियर हो गया सर। ना देखो सेकंड आपका क्या SO4 ना, ये माइनस माइनस होता है आपका, ना देखा सर इसके लिए आपका ना दिस इज द, दिस इज कॉल्ड द निगेटिव आयन। शॉर्ट क्या आपका ना आयनिक कंपाउंड सर, बहुत ज्यादा अगर आपने बहुत डेप्थ में जाना हो तो आपका ना देखो उसके लिए जैसे अब कैसे बना, देखो सोडियम, सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, दैट इज द 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको याद होना चाहिए 2, 8, इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन जब 1, 2, 3 होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं तो ये आपका लूज करते हैं, और लूज करने वाला आपका क्या होगा पॉजिटिव आपका होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब आपका क्या होगा मेटल होगा। ये देखिए तो मेटल है तो ना मेटल क्या होता है सोडियम, सोडियम का देखो नाउ 2, 8, 1, इसने माइनस वन इलेक्ट्रॉन को व्हाट ही हैज डन लूज कर दिया, आपका देखो सोडियम प्लस आयन बना दिया, अब आपका देखो मेटल एक लूज कर दिया। इसे लूज करने को देखो आपका नाम अब क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287 है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, इसलिए क्लोरीन हैलोजन है, लेकिन क्लोरीन आपका 7 थे या 17 ए ग्रुप का मेंबर हो, सुना जैसे इसने लूज किया ये भाई साहब ने देखा अपना नहीं प्लस ये आपका गेन कर लिया, तो गेन का या आपका नाम देखो सीएल माइनस आयन बना दिए, तो नाम देखो 2, 8 आपका और 7+1 जो गेन किया लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब वो क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया, तो नाम इसीलिए देखो सोडियम सोडियम जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड आपका बना, मतलब व्हाई आई टोल्ड यू आपका नाम या व्हाई आई टॉट यू कि ये आपका देखो पॉजिटिव और निगेटिव आयन की वजह से आपका नाम ये, दिस इज द शॉर्ट, शॉर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आयंस, one is the positive and the another is the negative ion, is it clear sir? इसमें आपका one special note we put, ये देखिए अगर आप another word short of अलग strong acid or plus अगर आपका नाम strong base, strong acid or strong base का अगर आपका शॉर्ट बनेगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा आपका नाम आप ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो ना विद पीएच वैल्यू ऑफ 7, अगर आपने घर जाकर के कल पीएच स्केल को देखा होगा, वेरी सॉरी टू से कल रात में बहुत थक गया था मैंने उसको, कल रात नहीं अपलोड किया, अभी अभी किया मैंने जब मैं अभी आया हूँ, मेरे हिसाब से 12:30 बजे करीब मैंने अपलोड किया कल के वीडियो आके, तो देख लीजिए तो फर्स्ट ना शॉर्ट ऑफ जब आपका देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और प्लस ये वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब शॉर्ट होगा याद रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा,
because the quantity of the strong acid is more than the quantity of the weak base of an analogous. Clear ho gaya? Aur acidic hai, iska matlab hai apna with pH value less than apka 7 ho jayega. 7 se niche apka kya acidic character hoga. Now, short of जब आपका इट्स अ वीक एसिड एंड नाउ प्लस व्हेन इट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली नाउ आर बेसिक इन नेचर बेसिक हो जाएगा इट इज बेसिक इन नेचर और जब बेसिक इन नेचर होगा तो नाउ विद पीएच वैल्यू अपना मोर देन क्लियर होगी सर. इसके बाद में टेबल बनाता हूँ. देखिए अभी जो टेबल में नीचे आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग आपका यहाँ टेबल शोज न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक. नाउ सबसे पहले आपका क्या करेंगे यू विल राइट टाइप ऑफ शॉर्ट. ये लिख दिया देन एक कॉलम आपका ये बना आपने. इसके बाद आपका नाम इज द टाइप ऑफ एसिड आप बना देंगे. इसके बाद दिन थर्ड कॉलम में आपका नाम देखो दिस टाइप ऑफ यूरिनिक बेस और उसके बाद लास्ट वन आपका इसमें आपका नाम तो सबसे पहले टाइप ऑफ शॉर्ट में जो आपका आएगा दैट इज न्यूट्रल. अभी अभी अगर आप याद करो अभी इससे पहले जो मैंने रब किया है डिलीट किया है वही आपका नाम तो क्या था आपका देखो नाम था इसका स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और जब आप स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे तो क्या होगा शॉर्ट बनेगा न्यूट्रल शॉर्ट बनेगा. क्या बनेगा न्यूट्रल शॉर्ट. अब इसका एग्जांपल आप करेंगे आपने HCl या आपके पास H2SO4 स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका कंसंट्रेटेड हो गया कीप इन माइंड दैट और नो इसमें भी आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपका क्या हो गया फर्स्ट NaOH या KOH क्योंकि व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप मींस फर्स्ट एक ग्रुप के मेंबर है बट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं देन नंबर ऑफ शेल्स डिसाइडेड दैट कि आपका किस पीरियड का मेंबर है. दोनों ग्रुप एक ही हैं यानी कि जब आप हाइड्रोजन को देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे आपका सोडियम आपका पोटेशियम ऐसे आता है आपका नाम देखो तो ये यहाँ भी देखिएगा सोडियम आपका इससे इसके नीचे पहले लिथियम आएगा फिर आपका सोडियम आएगा फिर आपका पोटेशियम आएगा देखो फिर आपका रुबेडियम आएगा फिर आपका सीडियम आएगा फिर आपका फ्रेंसियम आएगा. ग्रुप इनकी सेम है. अभी आपका ये फर्स्ट पीरियड है आपका ये सेकेंड पीरियड है आपका नाम देखो ये थर्ड पीरियड है फोर्थ पीरियड है this is your fifth period this is the sixth period this is the seventh period means aapka number of shell is equal to aapka now seven number of cell 6 5 4 3 2 1 jabki ye aapka kya hai ye all are metals but hydrogen is what that is a non metal non metal is stepped over the metals because it have also the same tendencies to lose its electron from its last outermost orbit. Got it? बात घुसना पड़ेगा. अब आपका देखो ना, this ये और ये मिलकर के ये क्या-क्या बनाते हैं? ये हो. तो सिंपल आपका ना, अगर ये बनाएगा तो शॉर्ट आपका क्या हो जाएगा? NaCl. अगर आप इसको इसके साथ लेते हैं आपका क्या बना देगा K2SO4 सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड. सो मींस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर सो इट्स मेकिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड इट इज आल्सो रिलीजिंग वाटर रिलीज करेगा. लेकिन यहां पर क्लियर हो गया सर. फाइन अब आप करेंगे दूसरा दिस इज एसिड. एसिडिक कब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टिंग विद योर वीक बेस. व्हाट इट सर तो नाम अब आप बनाओ यहां पे
स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में वही आपका HCl ले लो, H2SO4 ले लो या HNO3 ले लो। टेंथ में आपके पास तीन ही एसिड हैं आपके पास, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्लियर सर? इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। आप यहाँ पे एक बार स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, चेक कर लेता करो। स्ट्रॉन्ग बेस आप अपने लिया तो क्या होगा, सही लिखा मैंने क्या लेंगे? एग्जैक्टली नो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीक बेस लिखेंगे। तो वीक बेस में जैसे आपका क्या हो जाएगा, जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है, सेकेंड ग्रुप का मेंबर कौन है, MgCl, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आपका नाम NH4, आपका नाम OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, या आपने क्या ले लिया, MgOH होल ट्वाइस ले लिया, या आपका CaOH होल ट्वाइस आपने ले लिया। तो ना तो ये क्या बनेगा, एसिडिक आपका नाम, इसका मतलब NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। और उसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। देखो दिस, इसके बाद अब आपका थर्ड बेसिक में आपको क्या चाहिए, वीक एसिड, और इसमें माय गॉड आप भीग गया बहुत आपका नंबर, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में आपका फिर वीक बेस में H2CO3 कार्बोनिक आपका नाम, और एक एसिडिक आपका नाम मैथनिक CH3COH, CC है कार्बन आपका, मैथनिक एसिड आपका नाम होगा बस। इसके साथ आपका नाम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आपका। तो जब ये इसके साथ बनेंगे तो ना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और ये आपका इसके साथ मिलेगा K2PO4। क्लियर? तो ये था आपका नाम जो टेबल आपके के न्यूट्रल और आपका एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं। इज इट क्लियर सर?